हेलो किड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज रजनी। मैं आपकी क्लास टीचर रजनी। देखिए बच्चों, मैंने आपको ए फॉर एप्पल बनाना बताया था और अब मैं आपको ऐसे अनार बनाना बताऊंगी। ओके, तो जल्दी 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 अपनी हिंदी की नोटबुक निकालिए। वेरी गुड, हिंदी की नोटबुक आपने निकाल ली। अब आप देखिए, देखिए जरा ये क्या है बेटा, ये क्या है बताओ जरा, ये क्या है? बताओ बेटा क्या है ये? अनार। क्या है ये बच्चों? अनार है ये। ठीक है, ये है अनार। क्या है ये? ये है अनार। ओके, तो ऐसे अनार, ठीक है। अब हमें अनार बनाना सीखना है। कैसे सीखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसे हिंदी की नोटबुक में इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ऐसे करके डॉट बनाते चलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वाली लाइन में ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली लाइन में कैसे करना है? नेक्स्ट वाली लाइन में एक ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर, ओके। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाली लाइन में ऐसे करना है, ये बना लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, यूँ। जैसे आपने ये दो बना लिए, फिर आपको ऐसे ये जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से लाइन बनाएंगे, उसमें फिर आप एक ऐसे बनाएंगे गोल, फिर उसी से नीचे एक और बना देंगे गोल, फिर उसमें डंडा लगा देंगे और फिर दूसरा लाइन बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे अनार। ओके, तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। एक बार ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ऐसे अनार, ठीक है, ऐसे अनार। ओके, इसके बाद में हम बनाना सीखते हैं आम। ये बच्चों ऐसे अनार आपको पूरे 4 टाइम्स करना है, ठीक है। 4 पेज पर आपको ऐसे अनार बनाना है, ठीक है। ये क्या है बताएगा कोई? क्या है ये बताओ भाई, योशिता बताइए बेटा, क्या है ये? आम है ना, ये है आम। ये देखिए, ऐसे ठीक है। तो देखा आपने, ये क्या है? ये है आम। अब हमें क्या बनाना है? आ से आम। क्या बनाना है? आ से आम, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने पहले बताया था, ऐसे लाइन खींचेंगे सबसे पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर ऐसे एक डंडा और लगा देंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? आ से आम। ओके, देखिए एक ऐसे घुमाते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा बनाते हैं और फिर छोटा सा डंडा लगाते हैं, फिर एक ऐसे बनाते हैं, तो इसके आगे एक और लाइन खींच देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आ से आम। ओके, जब आप ऐसे अनार बनाना सीख जाओगे
तो आ से आम भी अपने आप बनाना आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर ऐसे डंडा लगाया और फिर ऐसे दो लाइन बना दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आ से आम। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप इस तरीके से लाइन बना के बच्चे को दे देंगे ऐसे, और ऐसे आप डॉट लगा के दे दीजिए, या फिर आप इस तरीके से बच्चे को बनाना बता दीजिए कि सबसे पहले एक बनाना है, फिर दूसरा, फिर लाइन, फिर टू लाइंस। ओके, तो बच्चा अपने आप ही अपने आप लिखता चला जाएगा, बिल्कुल सफाई से वो वर्क करता चला जाएगा। जैसे ही बच्चा पेंसिल पकड़ने लग जाता है तो वो अपने आप ही फिर लिखना भी सीख जाता है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। अब देखिए, देखा आपने किसी कितनी आसानी से आ से आम बन गया बेटा। तो इसी तरह से आपको ऐसे अनार भी बनाना है और आ से आम भी बनाना सीखना है। ठीक है, और ये आपको चार चार पेज पर करना है। ठीक है, चार पेज पर आप ऐसे अनार बनाएंगे, चार पेज पर आप आ से आम बनाएंगे। ठीक है, और सुंदर सुंदर तरीके से बनाएंगे, अपनी हैंड राइटिंग में बनाएंगे, तो मैं आपको फिर गुड दूंगी, है ना, टॉफी दूंगी, है ना। तो बहुत सफाई के साथ मैं बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे। अब मेरे साथ बोलिए, ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, रह से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आणे खाली। ओके, तो आप हिंदी की बुक निकालिए, जो आपकी ऑल इन वन वाली बुक है रीडिंग वाली, वो वाली बुक निकालिए आप, और उसमें आप हिंदी निकालिए ऐसे अनार, और मेरे साथ रीडिंग कीजिए। ओके, तो बोलिए, ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आणे खाली। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा योशिता, अच्छा लगा आपको, वेरी गुड। इसी तरह से आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और फिर मेरे पास अपनी रीडिंग करते हुए की ऑडियो मेरे पास सेंड करनी है। ओके, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ऐसे अनार, ऐसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आणे खाली। उसी तरह से आपको मेरे पास एक ऑडियो भेजनी है, अपनी आवाज़ में भेजनी है, और आप मुझे सुनाएंगी ऐसे अनार से लेकर आणे खाली तक। ओके, तो ये आपको ऐसे अनार करना है, चार पेज पर करना है। ठीक है बेटा, चार पेज पर, और चार ही पेज पर आपको ऐसे आम लिखना है। ठीक, अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। बस मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप थोड़े सा सहायता करें बच्चे की, जिससे बच्चा लिखना सीखे, है ना। तो आप कॉपी पे डेट डाल करके ऐसे अनार बना देंगे, बहुत आसान है बनाना, सिंपल सा बना देंगे। अगर ऐसा नहीं बनता है तो अपने तरीके से बना दीजिए, है ना, और लाइन बना के दे देंगे बच्चे को, तो बच्चा उसमें अच्छे से कवर कर लेगा। ओके, तो उसके बाद में फिर योशिता आपको मेरे पास ऑडियो भेजनी है अपनी। ठीक है, बट वो भेजनी आपको स्कूल टाइम में ही है और मेरे नंबर पर मेरे पास भेजनी है। ठीक है, तो कैसे भेजेंगे, माय नेम इज योशिता। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, जब भी आप भेजेंगे, माय नेम इज योशिता, और मैं आपको ऐसे अनार से लेकर आने खाली तक कुछ वर्ण सुनाना चाहती हूँ, सुना रही हूँ। तो ऐसे अनार, ऐसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे से उल्लू। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल करके मेरे पास भेजेंगे ऑडियो में। ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, बच्चा बहुत ध्यान से वीडियो को देख भी रहा है और वो कर भी रहा है ना। तो वर्क तो आप बहुत अच्छा करते हो, वेरी गुड, बट आप अपना ओरल वर्क भी आप मेरे पास सेंड करेंगे। ठीक
ठीक है, ऑडियो बना कर, ठीक है बेटा, धन्यवाद।